देखते होंगे कि मैं आज कहाँ बैठी हूँ, या मैं बैठी हूँ अपने टेरिस पे। टेरिस पे झूला रखा हुआ है और ये इतना पुराना झूला है कि मैं आपको बताऊँ तकरीबन 14 साल, नहीं मोर देन 14 साल, इतना पुराना ये झूला है। और यहाँ आकर बैठने की वजह ये है कि इस वक्त लाइट गई हुई है और जनरेटर चलाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ऊपर जाके बैठे थे, बिकॉज आज रोज़ा था मेरा। रोज़ा खोलने के बाद तबीयत थोड़ी बोझल हो रही थी तो मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा चलो आज टेरिस पर बैठा जाए, थोड़ा सा टेरिस पर टहला जाए, टहल के टांगे थक गई तो फिर मैं यहाँ पर बैठी। यहाँ पर बैठी तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, कई दिन हो गए आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई थी। क्या करें, मशहूरियत इतनी ज़्यादा रहती है, इतने काम, इतनी परेशानियाँ। अभी एक शादी आ रही है नज़दीक तो उसके सिलसिले में परेशान हो रही हूँ जी, कपड़े क्या बनाए जाएँ। अभी तो वही सारा सोचा जा रहा है कि जी कपड़े कैसे बनेंगे और क्या बनाया जाएगा और क्या पहना जाएगा। आइडिया दीजिए थोड़ा सा आप लोग भी कि मैं क्या बनाऊँ, किस तरह के कपड़े बनाऊँ, किस तरह की ड्रेसिंग करूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। अभी मैंने पुराने कपड़े भी निकाल कर देखे जी उनमें से क्या क्या यूटिलाइज किया जा सकता है और किस को थोड़ा सा चेंजिंग कर कर एक नया ड्रेस बनाया जा सकता है। किस तरह से किसी के साथ शर्ट नहीं बना ली जाए, किसी के साथ दुपट्टा नया बना लिया जाए, कुछ इस तरह का करके और बजट में रहते हुए काम करते हैं। इसके अलावा एक और टेंशन जैसे फैन का सवाल है, बच्चों का सिलेबस आ चुका है और इतना कोई लेंदी सिलेबस आया है ना, इतना कोई लेंदी सिलेबस आया है कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। परेशानी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते नहीं, खुद ही पढ़ाती हूँ नहीं, अब घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बस क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान कर रही हूँ। इतना सारा सिलेबस कवर कराना भी बहुत मुश्किल काम, प्री पेपर जो तैयारी होती है वो और भी मुश्किल होती है, बिकॉज अभी से इनके सारा सिलेबस जो है वो कवर करवाना होता है बच्चों को, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ आजकल। अभी मैंने कपड़े वगैरह निकाले हैं जो आपको मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, शादी में जाना है, शादी की वजह से शादी की तैयारियाँ करनी है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि साथ में बच्चों की पढ़ाई भी है तो अब यही होगा जी कि जिस वक्त बच्चे सुबह में स्कूल जाएंगे उस वक्त ये सारे काम हुआ करेंगे, लेकिन बच्चों के स्कूल से आने के बाद तो बस बच्चों को टाइम देना होगा। और मेरी कोशिश ये होती है कि जिस वक्त बच्चों के पेपर्स होते हैं तो मैं कुकिंग वगैरह जो है वो सुबह में करके और रख लूँ ताकि शाम में जो है फुल टाइम बच्चों को दे सकूँ। और मेरा यही होता है कि अब जैसे आज बच्चे पेपर देने के लिए गए ना तो जो नेक्स्ट पेपर होगा उसके लिए तैयारी में आज से करके, आज से प्रिपरेशन करके उनका पेपर बना कर तैयार करके और रख देती हूँ, तो उनकी कॉपीज मेरे पास होती है नेक्स्ट पेपर की, उसके हिसाब से तैयारी करवा देती हूँ। तो नेक्स्ट डे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अब आप लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं बच्चे कितने पिल्ले पिल्ले से बच्चे हैं यार, बहुत छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, एजुकेटर्स भी एजुकेटर्स में बच्चे हैं। और माशाल्लाह बेटी जो है वो ग्रेड 8 में है और साहिबजादे जो हैं वो ग्रेड 6 में हैं। तो लेकिन आपको पता है कि जब क्लासेस बड़ी होती हैं तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है बच्चों, बस मेरे लिए तो पढ़ाई 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 बस यही काम होता है। और इन लोगों के चूँकि बुक बेस होता है मोस्टली, और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इन लोगों का वो बुक बेस आता है, तो अब वो पूरे पूरे चैप्टर्स में से जनाब इनके ऑब्जेक्टिव्स बनाना या इनके MCQs बनाना वो एक बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत सोच सोच के देख कर करना पड़ता है। समटाइम तो ये होता है कि मैं जो ऑब्जेक्टिव या जो MCQs बना रही होती हूँ ना, मैं दूसरे पेपर के ऊपर उसके आंसर्स लिखती रहती हूँ अपने पास छुपा कर रखने के लिए, बच्चों को पेपर दे देती हूँ, बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद मुझे आसानी हो जाती है कि हर बात तो जहन में नहीं रहती है ना, कोई कोई बात जहन से निकल भी जाती है। तो ये होता है कि जो चीज़ जहन में नहीं आ रही थी फटाफट जनाब की जो कि आंसर्स मैंने लिखे थे वहाँ देखा, कौन से नंबर की ब्लैंक थी, कौन से नंबर का MCQ था, उसका आंसर देखा और वहाँ हमने लिख दी। तो रावत दिन किस किस्म की बातें कर रही हूँ मैं आज, तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही जनाब ये पूरे का पूरा चला है। लेकिन इस वक्त फ्री बैठी हुई थी बिल्कुल, और इतना अच्छा इतना प्लेजेंट इस वक्त एटमोसफियर है, इतना मतलब ये कि ना ठंडक ना गर्मी है और बहुत अच्छा, आपको पसीने नहीं आ रहे हैं, आपको सर्दी नहीं लग रही है और बहुत बहुत अच्छा इस वक्त मौसम हो रहा है। टेरिस के ऊपर जो मैं बैठी हुई हूँ झूला झूल रही हूँ। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, जिस वक्त मैंने झूला नया नया लिया था ना, अच्छा जिस वक्त हम ये झूला लेने गए थे तो मैंने देखा, मैं उस वक्त इतनी एक्साइटेड थी, मैंने कहा अपने हस्बैंड से कहा, मैं उनको अजी बोल रही हूँ, मैंने कहा अजी यार हमने ये करना है, मैं तो अब सब्ज़ी भी इस पर बैठ कर काटूँगी, मैं तो दाल चावल चुनना होगा वो भी इस पर बैठ कर पीऊँगी, मुझे जो काम करना होगा वो मैं इसी झूले के ऊपर बैठ के करूँगी। लेकिन ये बस कुछ कुछ दिन का शौक होता है, शुरू का शौक जब पूरा हो जाता है ना झूले का, तो उसके बाद फिर ये धीरे 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 ये शौक कम होने लगता है। फिर ये है कि कभी बहुत दिल चाहता है, अच्छा मेरा अक्सर मुझे ये होता है, मुझे अकेले बैठने का शौक होता है, तो मैं ऊपर आती हूँ
टेरिस पे बैठ जाती हूँ और आराम से अपना बैठी रहती हूँ, झूला झूलती रहती हूँ। पर ये झूला उस वक्त था जब बहुत आम नहीं होते थे लोगों के घरों में इस तरह के झूले, मैंने उस वक्त ये झूला लिया था। अभी तो आप देख रहे होंगे इसका कलर वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसको मैंने दोबारा रिन्यू करवाना है, थोड़ा सा काम है इसके अंदर, इंशाल्लाह करवाऊँगी अब वो भी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। टाइम का ही तो इशू होता है, टाइम ही तो नहीं मिल पाता है, क्या किया जाए। और अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है और टाइम नहीं निकल पा रहा टाइम। अच्छा, अब वो आप लोगों को वीडियो देखकर लग रहा होगा कि शायद मैं कोई भला हूँ या कोई एलियन टाइप चीज़ हूँ कि मेरी आई बॉल जो है वो रेड रेड कलर के दिख रहे होंगे, लेकिन इस वक्त असल में अंधेरा बहुत ज़्यादा है, अंधेरे में ये वीडियो जो है बनाई जा रही है, एंगल भी चेंज किया, बट कुछ बात नहीं। आप लोग हरगिज़ ये मत समझिएगा कि मैं कोई एलियन हूँ या मैं कोई खलाई मखलूक हूँ या कोई भला टाइप चीज़ हूँ, ना जी ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आँखें आम नॉर्मल जैसे बंदों के ब्राउन कलर की आइज़ होती है वैसी मेरी भी आइज़ है, क्या किया जाए, अंधेरा है ना, अंधेरे की वजह से इसकी मोबाइल की जो लाइट है उसकी वजह से मेरी आँखें आपको थोड़ा थोड़ी सी ऐसा म्यूज़िक आपके जहन में आ रहा होगा देख के जिससे भलाई आ जाती है। हाँ जी, तो मैं हरगिज़ की भला वाला नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल किस्म की एक लेडी हूँ मैं, तो ये तो जस्ट मजाक की बातें हो रही थी आप लोगों के साथ। और अब बहुत अच्छी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और गाड़ी का हॉर्न आ गया है, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में उनकी आवाज़ आने वाली है जी खाना लगा दो, तो अब मुझे रोटी बनानी है, अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाकर रोटी बनाऊँगी। तब आज के लिए इतनी ही बातें काफ़ी हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे और बहुत सारी बातें होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।